बहरहाल दोनों की बराबर की टक्कर है और हमें लग रहा है यहाँ पे भाजपा शायद निकल जाए। इतने दिन जो लॉकडाउन किया, इतने सफर किया इस वेस्ट बंगाल का लोग, क्या किया पार्टी ने? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। खाली 2 रुपए किलो चाल दे दिया, 2 किलो, 2 किलो में क्या एक महीना चलता है गुजारा? नहीं चलता। हम तो काम से मूल्यांकन कर रहा है, ये दीदी बढ़िया है। अगर धर्म के लिए बोलेंगे तो बीजेपी जय श्री राम बोलेंगे। नमस्कार, मैं भाषा और इस समय हम खड़े हैं मेदिनीपुर शहर में। यहाँ पर सांसद की सीट, संसद की सीट भाजपा के पास है और तृणमूल और भाजपा के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। सीधा सीधा सवाल यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ममता वापस अपना आधार हासिल कर पाएंगी कि नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं तमाम अलग अलग किस्म के लोगों से, अलग अलग पेशों में लगे लोगों से बात करने की और जानने की कि आखिर सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए क्या है। अगर वह ममता के पक्ष में वोट देना चाहते हैं तो क्यों, और अगर वे भाजपा के पक्ष में खड़े हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। आइए जानते हैं मेदिनीपुर में किस तरफ रुख कर रहा है यहाँ का मतदाता। बंगाल में अभी ममता बनर्जी का पल्ला भारी है, क्या वो सबका साथ है, काम सबका साथ कर रहा है, तो जो काम जो पार्टी अच्छा करेगा उसी का जय होगा। आपके यहाँ तो पूरा भाजपा का झंडा है, तो हम सोचे कि आप भाजपा को दे रहे हैं। वो तो झंडा तो सबका ही रहता है, दिल में रहता है, किसको देने पड़ेगा हमको, जो काम करेगा अच्छा उसी को हम देगा। अभी तो दोनों की बराबर की टक्कर है, अभी इस वक्त नहीं बता सकते कि कौन कितने आगे है कोई पीछे है। बहरहाल दोनों की बराबर की टक्कर है और हमें लग रहा है यहाँ पे भाजपा शायद निकल जाए। मैं तब यहाँ के बारे में बता रही हूँ। क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल, मैं दुकानदार हूँ। भाजपा ने ऐसा क्या किया कि इतना बढ़ गई? भाजपा को ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी लोग के बीच में एक परिवर्तन चाह रहे हैं लोग कि भाई थोड़ा चेंज हो। दिन तो 10 साल तो देखे TMC को, अब वो लोग चाहते हैं कि भाई नहीं, थोड़ी नई सरकार एक आए और उससे कुछ उम्मीद ज़्यादा सोचने की कुछ उम्मीद ज़्यादा होगी, तो इसलिए भाजपा के लोग पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या हम भाजपा को क्यों पसंद? हम तो काम से मूल्यांकन कर रहा है, ये दीदी बढ़िया है। अगर धर्म के लिए बोलेंगे तो बीजेपी जय श्री राम बोलेंगे, हम तो बोलेंगे दीदी जिंदाबाद, क्योंकि इतना डेवलपमेंट किया जो पश्चिम बंगाल में पहले नहीं था। अभी ग्राम में जाइए, अभी देखिए ग्राम का जितना रास्ता है वह तो सब कंक्रीट का हो गया, मेडिकल फ्री मिलता है, इधर स्वास्थ्य साथी OBP है 5 लाख का, ये कोई अगर आपको। लेकिन फिर लोग भाजपा के बारे में क्यों बात कर? ये तो ये है, इसका इमोशन है, लोग पैनिक में वोट दे रहे हैं, इमोशन है इसका। इमोशन क्या है? आप हिंदुस्तान में रहेंगे और बोलेंगे हम हिंदू है जय से हम बोलेंगे, और मुसलमान लोग क्या करेगा? वो अगर अल्लाह अकबर बोलने से आपको जलन होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन नेशन, वी आर देन वी आर फर्स्ट वी आर इंडियन देन वी आर हिंदू देन मुसलमान, तो यही बात है। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? रविंद्रनाथ सिंह। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है हमको, हम लोगों को ज़्यादा तो नहीं पता, हम रहते हैं इसी वेस्ट बंगाल में, पर यही बात कहना है, जो पार्टी जब आता है कहता है मैं ये करूँगी वो करूँगी सब कुछ कर देंगे, जब वोट हो जाता है बस उसके बाद सब निकल जाते हैं। वो कोई नहीं, वो TMC भी क्या है, CPM क्या है, BJP क्या है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं करता, अपना अपना पॉकेट में सब कुछ अंदर कर ले बस निकल जाता है ऐसे, तब नहीं देखता आम जनता कैसे खा रहे। मतलब आम नागरिक को फायदा नहीं होता ना, कुछ नहीं फायदा होता। इतने दिन जो लॉकडाउन किया, इतने सफर किया इस वेस्ट बंगाल का लोग, क्या किया पार्टी ने? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। खाली 2 रुपए किलो चाल दे दिया, 2 किलो, 2 किलो में क्या एक महीना चलता है गुजारा? नहीं चलता। हमारा लॉकडाउन तो मोदी जी ने किया था और कहा था कि लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम नगाड़ा और ड्रम थाली बजाएंगे, ये करेंगे, कोरोना भाग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का कहने से फ़ायदा? अभी वो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे बंगाल में। अभी तो खाने पीने का पैसा ही नहीं है और नौकरी क्या देंगे वो लोग, यही तो बात। हम जो सैलरी मिलते हैं हमको, सरकारी नौकर है हम,
तो हमारा जो डीए है वही नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कैसे ऐसे बोल देते हैं जो नौकरी देंगे सब कुछ कर देंगे। एक सीधा सवाल, हिंदू मुसलमान का एक बड़ा मुद्दा बन रहा है बंगाल में, क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं? नहीं, हम एक ही है, हम सभी का तो ब्लड एक ही है। से हिंदू हम, आपको क्या पता है मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ? नहीं पता, तो हम तो मेरे ढंग से एक ही है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स को लेके वो तो होता ही रहता है दंगा। क्या बंगाल में ये सक्सेसफुल होगा हिंदू मुसलमान कार्ड? ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, मैं नहीं कह सकती हूँ मैं, वो तो अपना अपना सोच है कौन क्या करेगा, ये तो बोल नहीं सकते। कितना साल से आप चला रही हैं ये, क्या क्या बनाती हैं पहले दिखाइए हमको। वही तो मछली, ये मछली है? हाँ हाँ, ये आलू पटल भजिया और दाल। अच्छा, और ये केला है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका हाँ, और ये पटल है? पटल है, हाँ। पटल है, आलू पटल। हाँ हाँ। कितना लोग खाता है यहाँ पर? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है? नहीं। कितना कमा लेती हैं आप? हम 20 50। इतने रुपए ही मिलते हैं? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। हाँ है। हाँ हाँ। आप वोट डालती हैं? हाँ हाँ हाँ, डालती हैं। शुरू से वोट डालती हाँ, हैं? हाँ हाँ। वोटर कार्ड है आपके हाँ, पास? हाँ हाँ। वोटर राशन कार्ड भी है? राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। हाँ हाँ। यहाँ पे आपके बगल में लाल झंडा पार्टी का ऑफिस है, खुलता है? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। कौन सबसे अच्छा नेता था? नेता ये दीदी का। दीदी का? हाँ हाँ। यहाँ दीदी आएंगी या कोई और आएगा? नहीं, दीदी आएगा। तो दीदी ने क्या किया है, क्या अच्छा लगता है आपको? दीदी रेशन देता, विधवा भत्ता देता, हाँ टाका देता, हाँ ये सब घर में चाल में देता, हाँ ये सब देता है। मोदी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। हाँ। क्या सुना है उनके बारे में? वो बोलता जे ए हमको वोट दो, हमको दो फिर देखेगा, बोलता है। हाँ। दिल्ली में उन्हीं की सरकार है? हाँ हाँ। उनसे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, हमको गैस नहीं है, हमको घर नहीं है। तो अभी यहाँ पर किसके बीच लड़ाई है? सब लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी भाजपा के बीच में है, वो तो ठीक ही है, लेकिन टीएमसी भाजपा के साथ साथ हम लोग संयुक्त मोर्चा भी एक साथ लड़ाई में है। तो मीडिया का प्रचार है, आप लोगों का प्रचार है ना, सबार सब समय প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে প্রত্যেকটা কর্মসূচিতে আমরা মানুষের সঙ্গে থেকেছি, কারণ আমাদের দরকার এই মুহূর্তে মিথ্যা নয়। মিথ্যার প্রলোভনে পড়ে যেভাবে আমাদের ওই দু কোটি বেকারের চাকরির কথা বলা হয়েছিল, দেখা গেল সে দু কোটি বেকারের চাকরি, তো দু কোটি বেকার মানে আমাদের 7 বছরে কেন্দ্রের সরকারে 14 কোটি চাকরি দেওয়ার কথা ছিল, আবার নতুনভাবে ইস্তেহার প্রকাশ করছে তারা নাকি আবার নতুনভাবে চাকরি দেবে, চাকরি কোথাও নেই, চাকরির জায়গাটা একদম শূন্য হয়ে গেছে, বেকাররা এখন চাকরি চাইতে গেলে পুলিশের মার তাদেরকে খেতে হচ্ছে, সে রাজ্যের ক্ষেত্রেও রাজ্যে যে সরকার চালাচ্ছে 10 বছর ধরে তারাও একই রকমভাবে। ভাজপা ইতনা বঙ্গাল মে বড় জায়গা, অমিত শাহ নে বোলা কি 200 সিট মিলেগা আর হাম সরকার বনায়েঙ্গে, এসা হাম লোগো কো নেই লাগতা হ্যায়, হাম লোগো কো এসে নেই লাগতা হ্যায়, ও তো হর জায়গা মে ঝুটি বাত বল রহি ইতনা বল রহি না, মিথ্যাই একটা মিথ্যার জালে সব জায়গায় ছড়িয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। আমরা মনে করি সেই মিথ্যাটাকে এখানে ভাজপার মানে বিজেপির প্রার্থীদেরকেও সেভাবে নিয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে নানা প্রলোভন দেখানো হচ্ছে, মিথ্যার আশ্রয়ের মধ্যে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে যে সঠিকভাবে যে মানুষের পাশে থাকার কথা, সঠিকভাবে মানুষের কষ্টের কথা যন্ত্রণার কথা সেটা কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। বঙ্গাল মে ইউথ কে ভোট ডালতা হ্যায় নেই ডালতা? নেই, সবই কো ভোট ডালতা হ্যায় বঙ্গাল মে, ठीक है, बंगाल में जो वोट डालते हैं टीएमसी को भी वोट मिलेगा अगले बार में, ममता दी है बंगाल में रहेंगे, ममता जी बोल रहे ना खेला होबे, खेला होबे, ऑब्वियसली खेला होबे, टीएमसी रहेगा बंगाल में और टीएमसी जीतेगा बंगाल में। इसका बड़ा वजह क्या है? इनका बड़ा वजह है उन्नयन, बंगाल में जो उन्नयन किया है, रास्ता पानी कारेंट गाँव गाँव में सब तरफ सब दिया हुआ है, बंगाल रहेगा, बंगाल में दीदी रहेगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि काफी बीजेपी बढ़ रही है, लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं। मोदी को किस लिए वोट देंगे? बेकार समस्या जो बेकार हो रहा है ना, बेकार तो बेकार ही रह जाता है, हम लोग बैचलर लड़का, हम लोग तो इतना पढ़ा सुना करके भी बेकार हो जाए,
कोई नौकरी का कोई ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग तो बेकार ही हो रह जाते हैं ना। मोदी किस लिए, मोदी बोला नौकरी देगा, कहाँ से दे रहा है? इतना दिन नौकरी नहीं दिया, दिल्ली में बैठ बैठ के नौकरी नहीं दिया, बंगाल में आके नौकरी देगा क्या? आप देख रहे हैं जो अभी चुनाव चल रहा है, यहाँ से जो एमपी का इलेक्शन था वो बीजेपी जीती थी, अभी भी लोग बता रहे हैं कि टक्कर बहुत कड़ी है, कैसे आप देखते हैं? टक्कर तो हर पार्टी में ही होता है, हालांकि हम लोग को देखना पड़ता है जो कौन कार्यकारी करता है, काम उम कौन पार्टी करता है। तो हम लोग यहाँ अपनी टीएमसी बहुत काम किया है, एनआरसी से लेके, एनआरसी तो मोदी निकाल दिया है, एनआरसी के लिए हम लोग का बहुत दिक्कत आया है बीजेपी के ऊपर, इसलिए थोड़ा नाराज़ है इंसान। और टीएमसी जो है वो हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ करता है, वो खुद मार खाता है लेकिन किसी को मार खाने नहीं देता है, इसलिए उसका ऊपर चाहिदा इतना ही है इंसान का जो उसके लिए जान तक दे देगा आदमी। कई मुस्लिम पार्टियां भी आई हैं, ओवैसी भी मैदान में है, तो क्या मुसलमान बंगाल का उनको वोट देगा? वोट का जब बोल रहे हैं आप, हिंदू और मुस्लिम का ये वोट नहीं है, ये वोट है इंसान का तरीके के लिए, माने इंसान का सुविधा असुविधा के लिए, इसमें मुस्लिम और हिंदू का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। वोट जो जिसका अपना डालते रहेगा, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई सीपीएम में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, तो कोई। एक सवाल, यहाँ से लाल झंडा भी है, लाल झंडे की भी पार्टी है, कौन खड़े हैं कुछ जानते हैं आप? सीपीएम का कौन यहाँ से लड़ रहा है? सीपीएम का तो यहाँ पर नाम मालूम नहीं है सीपीएम का, और बीजेपी का क्या नाम बताया भूल गया। हम टीएमसी का तरफ से जून मालिया खड़ा हुआ है, हम लोग सबको सपोर्ट कर रहे हैं उसका, क्या हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहा है यार वो, समझे ना, इसलिए टीएमसी का चाहिदा यहाँ पर ज़्यादा है। बीजेपी जो बोल रहे हैं ना बीजेपी जीतेगा, 23 तो राज्य मिल के एक तो पार्टी राज्यों को चाप दिया, इतना चाप दिया जो उसको हालांकि बहुत खराबी उसको होने हुआ, लेकिन फिर भी डटे हुए खड़ा होकर रहना है उसको, और हम लोग ही खड़ा होकर उसको रखेगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हर गली मोहल्ले में पहुंचेगी, शायद इसका अंदाज़ा खुद भाजपा नेतृत्व को नहीं रहा होगा। एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि पैसे के बल पर, अपने प्रचार प्रसार के बल पर हर जगह तकरीबन उसके पोस्टर, बैनर, पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल और कुछ हद तक बहुत सीमित संख्या में ही वाम दल के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अभी लड़ाई बहुत तीखी होती जा रही है और मुद्दे बहुत साफ हैं। बंगाल को किस तरह से भाजपा एक दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, और वहीं तृणमूल चाहती है कि उसकी स्थिति बनी रहे।